एकदम मतलब इतने सिल्की वाले कि जहाँ अटकाई है वहीं अटक चुकी है कंघी। होटल है वो इस तरफ है, ये देखिए यहाँ पे रिजॉर्ट्स, ये रिजॉर्ट्स वगैरह है, रेस्टोरेंट्स है सब यहाँ पे। कलिंगुड बीच है पूरा, जो फेमस बीच है आपने नाम भी सुना होगा कलिंगुड। अभी तो रात में आया ऐसे घूमने, मस्त लग रही है ना समुद्र की लहरें। तो गाइस ये स्कूटी हमने रेंट पे ली है, यहाँ पे पहाड़ मौसम व्यू लग रहा है ना। देखिए सिंगापुर से आके ये स्कूटी चला रहे हैं यहाँ गोवा में, वैसे तो इन्हें मौका कभी मिलता नहीं। गाइस ये है कैरनबूट बीच, जैसा मैंने दिखाया था कल रात को। रात को तो इतना मतलब दिख नहीं रहा था, अभी देख सकते हैं आप। बहुत बड़ा बीच है, वहाँ पे दिखा दो एक बार पूरा, मतलब वहाँ से लेके वहाँ तक बहुत लंबा बीच है। यहाँ पे पानी की लहरें बहुत बढ़िया आ रही है। बागा बीच, मतलब दोनों जगह बहुत सही भीड़ रहती है, मतलब मजा आएगा। वाटर स्पोर्ट दोनों जगह होता है, कलिंगुड में भी और आपका बागा बीच में भी। एक बार दिखा सकते, एक बार जूम करके दिखा दो, आपको शिप्स दिख रही होंगी वहाँ पे, सारी एक्टिविटीज होती है, पैरा सेलिंग एंड स्कूबा डाइविंग, बनाना राइड, बम्पर राइड सब होता है। पे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, चेयर्स लगी हुई है बैठने के लिए। देखिए एकदम मतलब इतने सिल्की वाले हैं कि जहां अटकाई है वहीं अटक चुकी है कंघी। कंघी भी मुड़ रही है भाई कसम से, 1.5 किलो रेत घुसी है उसके बालों में, एक तो बाल है ऐसे।
मतलब एक एक डब्बा शैम्पू भी कम पड़ता होगा आपको तो। कॉलिन गुड हमने दिखाया था, ये उससे भी बड़ा है। गुड को एंड तक और उस एंड में बहुत बड़ा है बागा बीच। मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, जो दो फेमस बागा बीच है, कॉलिन गुड और ये सॉरी कॉलिन गुड और बागा बीच, ये बागा बीच है। यहाँ पे ये वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, बस क्लीन करके दिखाना उधर। वो देखिए पैरा सेलिंग हो रही होगा, स्कूबा डाइविंग, कितने वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज होती हैं। मौसम भी अभी बहुत अच्छा है, जब बीच साइड में आते हैं तो पता नहीं चलता इतनी गर्मी है। वैसे धूप तो है बहुत, लेकिन इस समय आप मार्च में विजिट कर सकते हैं गोवा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच साइड तो ऑसम ऑसम मौसम है बीच साइड। देखिए बोट लगी हुई है, देन यहाँ पे रेस्टोरेंट है, अलग अलग सब रेस्टोरेंट है।